उत्तर प्रदेश में चुनाव जारी है, ऐसे में जौनपुर में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम किया गया। लोकतंत्र की मजबूती के लिए स्वच्छ और ईमानदार के प्रत्याशियों को अपना वोट देने की अपील की गई। उत्तर प्रदेश इलेक्शन वॉच और एडीआर लगातार विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में रविवार दोपहर कुत्तूपुर में ग्रामीण महिलाओं के साथ बैठक कर उन्हें मतदान करने तथा चुनाव में अपने मतों का प्रयोग का महत्व बताया गया। यूपी इलेक्शन वॉच एवं एडीआर के प्रतिनिधि रमेश यादव ने पत्र प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि मतदाता अपना वोट मतदान के लिए अवश्य डाले और ईमानदार छवि के प्रत्याशियों को अपना वोट दे। अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखने, स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना अपना मतदान अवश्य करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, कुछ लोग आपका वोट खरीदने की कोशिश करेंगे, इसमें सफल न होने पर उसे जबरदस्ती अपने पक्ष में करना चाहेंगे, लेकिन मतदाता को प्रत्याशी से शराब, नकद, कपड़ा, उपहार चुनाव के न लेकर उसका विरोध करना चाहिए। कोई डरा धमका कर वोट लेने की कोशिश करता है तो इसकी शिकायत राज्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी से जरूर करें। इस दौरान कार्यक्रम में ग्रामीण उपस्थित रहे। आपको सादर अवगत कराना चाहता हूं कि ये जो विधानसभा का चुनाव है, ये हमारे जनपद में सातवें चरण में और 7 मार्च 2022 को आयोजित किया जा रहा है। ये प्रत्येक मतदाता अपनी महत्व को समझे, अपने वोट की महत्व को समझे, इसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग एक आयोजन करके एडीआर एवं उत्तर प्रदेश इलेक्शन वॉच के माध्यम से हम लोग ये कर रहे हैं कि लोग वोट कैसे दें और एक लोकतंत्र में एक मतदाता की क्या भूमिका है, इसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग स्कूलों में, कॉलेजों में, महाविद्यालयों में और ग्रामीण अंचल की महिलाओं के बीच, पुरुषों के बीच, युवाओं के बीच इस तरह की एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं। तो आपसे चाहेंगे कि ये जो हम लोग अभी तक एक्टिविटी किए हैं उसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग ने नुक्कड़ नाटक किया है, दीवार लेखन किया है और साथ ही साथ मानव श्रृंखला, वाद विवाद प्रतियोगिता और इस तरह के तरह तरह की एक्टिविटी के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी वोट की ताकत इस संविधान को बचाने में, इस लोकतंत्र को बचाने में और एक अपनी राजनीतिक उपस्थिति के परिप्रेक्ष्य में इसको आम जनता कैसे वोट करके इस ताकत का एहसास कराए, इसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज ये प्रेस वार्ता भी आपके समक्ष अपनी बात को आपके माध्यम से आम जनता को बताने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ जो भी एसएचजी ग्रुप है, महिलाएं हैं, आशा हैं, आंगनबाड़ी हैं और सरकारी एजेंसियों के साथ जुड़े हुए जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं, सभी से तालमेल, सभी से कोऑर्डिनेशन करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। आप सभी जनपदवासियों से मेरा निवेदन है कि 7 तारीख को सारा काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो के परिप्रेक्ष्य में इस काम को हम लोग लगातार संदेश दे रहे हैं। आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप अपना वोट जरूर दें जिससे देश का, समाज का एक भविष्य का निर्माण हो सके। धन्यवाद। जौनपुर से विनय कुमार की रिपोर्ट।